कि अगर मैं इनको खोलूंगा बाउंड्रीज है नहीं, कि ऐसा ना हो कि दोबारा नीचे की तरफ भाग जाए यार। यार साथ में ज्यादा मसला ना हो जाए, ज्यादा हम इसकी रस्सी बांध लें तो उसके पाँव में कोई मसला ना हो जाए जख्म वखम का। यार देखिए खींचो नहीं, खींचो नहीं, खींचो नहीं। तो इस टाइप की ही जगह साथ में इन लोगों को पसंद आती है शायद। इस जगह से हमने कर दिया अपने बकरों को थोड़ी देर के लिए रिलीफ, क्योंकि रात में सिर्फ वो यहाँ बनते हैं और दिन में जैसे कि वहाँ बनते हैं। यार इन सब के बारे में हमने सोच लिया है, बकरों के बारे में उनका घर बना दिया है, मुर्गों के बारे में उनका केज बना दिया है, तोतों के बारे में भी उनका केज बना दिया है। लेकिन जो अब हमारा एक छोटे छोटे से दो डग्स जो हैं उनके बारे में हमने सोचा ही नहीं है, उनको हमने बिल्कुल ही लावारिसों की तरह छोड़ा हुआ है। तो यार इनके बारे में भी सोचते हैं। इनके लिए हमने सोचा है कि यार हम लेकर आते हैं जो छोटे बच्चों का आपने देखा होगा ना स्विमिंग पूल टाइप का, टब टाइप का जो होता है, इंशाल्लाह वो लेकर आते हैं और वो हम इस सेंटर में रखते हैं ताकि इनको थोड़ा ये, क्योंकि इनको पानी बहुत पसंद है, ये 24 घंटे पानी में ही रहना पसंद करते हैं। तो हमने इनके लिए पानी का जो इंतज़ाम है वो नहीं किया हुआ। तो इंशाल्लाह आने वाली कुछ वीडियो में, कल वाली वीडियो में या उसके बाद वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम वो लाजमी लेकर आते हैं और अपनी जो डक्स हैं उनको खुश करते हैं। अभी देख सकते हो कितनी खुश हो रही हैं डक्स ये। लेकिन ये पानी है थोड़ा, क्योंकि ऐसे पी सकती हैं, पानी में नहा नहीं सकती, नहाने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है, तो उसके लिए करेंगे हम इंतज़ाम। क्या सीन है शारिक भाई, ये जो मुर्गों को बता क्या बंदी रखना है? यार मैं भी यही सोच रहा हूँ कि यार इनको बंदी रखना है, लेकिन यार बस मैं एक चीज़ से डर भी रहा हूँ कि अगर मैं इनको खोलूंगा बाउंड्रीज है नहीं, कि ऐसा ना हो कि दोबारा नीचे की तरफ भाग जाए यार। तो हाइट भी बहुत ऊंची नीचे आके खुदा ना खास से इनको लग वग ना जाए। तो यार मैं भी ये सोच रहा हूँ, पर एक आइडिया है मेरे पास। क्या आइडिया है? वो आइडिया ये है कि हम इनको इससे आज़ाद करते हैं और ना वो सामने जो हमारी लकड़ियाँ लगी है ना, लकड़ियों के साथ रस्सी बांध के इनके पाँव में रस्सी लंबी डाल के छोड़ देते हैं, और जब रात में आएंगे रात में भी इनको बंद कर देंगे। क्या बोलते हो? खोल के रस्सी, रस्सी मतलब हाँ रस्सी, रस्सी खोल देंगे फिर दोबारा इनको केज में बंद कर देंगे। चलो फिर ठीक है, अभी अभी तो इनको खोल दो, बेचारे कब से बंद हैं। चलो यार इनको खोलने की तैयारियाँ करते हैं। तो भाई तुम्हारा भाई निकाल के लेकर आ गया है मुर्गी, और अब सात भाई जो हैं उनसे मोबाइल पकड़ा नहीं जा रहा, तो मैंने मोबाइल पकड़ लिया, और अब सात भाई जो हैं रस्सी इसकी बड़ी कर रहे हैं। तो सात भाई जल्दी से आ जाओ, बस जल्दी जल्दी से इसके पाँव देख के आराम से। तो रेडी, चलो भाई इसको हमने छोड़ दिया नीचे, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। यार साथ में ज़्यादा मसला ना हो जाए, ज़्यादा हम इसकी रस्सी बांध लें तो उसके पाँव में कोई मसला ना हो जाए जख्म वखम का। यार नहीं होगा, देख के खींचो नहीं, खींचो नहीं, खींचो नहीं। तो हम आ चुके हैं अपने दूसरे मुर्गे को पकड़ने। तो साथ भाई इसको मिल गई है खाद टाइप की, जो उस दिन बारिश में हम लोगों ने कचरा इधर करा था ना, ये मुझे लग रहा है इस टाइप के कचरे में खुश रहते हैं साथ भाई ये लोग। तो इन लोगों को हमने कर दिया यहाँ पर आज़ाद और इस जगह पर छोड़ दिया, ये लोग कचरे में से चुन चुन के अपना दाना पानी पूरा करेंगे। तो इस टाइप की ही जगह साथ भाई इन लोगों को पसंद आती है शायद। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लगी होगी आपको बहुत अच्छी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी लाजमी जाके कर दो। इसी के साथ अपने भाई शारिक को तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कुछ नई मज़ेदार फनी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।